सब आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे और थोड़ी सी प्रिकॉशंस अभी आप लोग और रख रहे होंगे क्योंकि ये जो टाइम लगा इस वक्त हम थोड़ा प्रिकॉशन रख लेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। और या चलो अपना ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये रहा मेरा ड्रेस जो कि मैंने पहना है और लेडीज़ का हॉल मैंने शेयर किया है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई दरवाज़ा खोल दो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि दिल्ली में मेरे लिए वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका? और वही चीज़ मेरे साथ अगेन हो रही है, इधर से उधर भाग भाग करके ही मुझे शूट करना पड़ता है। तो अभी मैं आ गई हूँ मम्मी के रूम में एंड मम्मी का मैंने कुछ सामान लिया था उसे लौटाने, उसे रखने के लिए, वरना मेरे हाथ में रहता तो कहाँ पहुँच जाता मुझे खुद भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये है पेटीकोट, चलो इसको रख देते हैं पहले। और अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ, वेदर बहुत ही अच्छा सा हो रखा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है एंड काफ़ी अच्छा वाला है। देन आई थॉट कि क्यों ना मैं अपनी व्लॉगिंग भी स्टार्ट ही कर लूँ। एंड यस, हेड वॉश मैंने लिए, मॉर्निंग में नहीं किया था मैंने हेड वॉश, पानी नहीं था तो नहीं किया था मैंने, अभी पानी आ गया तो मैंने कर लिया है। तो बस हम इस मौसम को थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय क्या, ग्रीनरी है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो देखिए उधर भी बहुत ज़्यादा पूरा ग्रीन ग्रीन सा एंड इधर भी ग्रीन ग्रीन सा, बहुत ही अच्छा सा ये व्यू है, लुक मिलता है। तो यस, यही सब हो रहा था, अभी फिर बातें करके मिलेंगे कुछ देर में आपसे। और यहाँ पे हम हो चुके हैं फ्री, मम्मी बना रही हैं शरबत। हाँ हाँ, जम जाएगा इतने में तो। अभी दही पूरा चटनी में डालना। हाँ, नारियल वाली चटनी, नारियल भी भिगा देना थोड़ा। और अभी आज बनने का प्लान है क्या, डोसा, डोसा सांभर नारियल की चटनी। तो जिसके लिए कि नारियल काफ़ी टाइम से रखा हुआ है एंड काफ़ी हार्ड हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा पानी में सोक कर देंगे। छोटा छोटा पतला काट के तो हम इसको थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे तो नहीं बट हाँ थोड़ा सा कट कर दे, देन पानी में सोक करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, आई डोंट नो नारियल कब से हमारे पास रखा हुआ था फ्रिज में, तो अभी जब हमें आने को हुआ तो फिर हम ले करके आएंगे। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हम बताएंगे कि हम ये सांभर कैसे बनाएंगे फटाफट स्टाइल में, कोई एक दिन पहले एक रात पहले वाला झंझट नहीं है, फटाफट से बनने वाला है। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत ज़्यादा अभी छोटे पीसेस नहीं किए हैं क्योंकि लग सकता है हाथ में, हाय हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये पानी में डाल के हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। जाने वो कौन से लोग थे जिनको किनारा मिला। और हम अभी दिखाते हैं आपको ये बेदर्दी से प्यार कैसा। काफी अच्छा वेदर हो रखा है, बहुत ही अच्छा वाला मौसम हो रखा है जिसको कि हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे अब हमारी तैयारी हो रही है चटनी बनाने के लिए, जिसके लिए कि नारियल से नारियल है और इसको हम फाइन चॉप छोटा छोटा सा कर लेंगे। नहीं, मैं काम कर रही हूँ ना। तो मेरा क्यों बना?
अरे तो कौन सा आप कोई वो है, आप आ नहीं सकते हैं क्या वीडियो में? अरे काट देंगे चल। यहाँ पे मैं इन सारे कोकोनट्स को छोटे छोटे से कट कर रही हूँ। काट दूंगी बाबा, मैं काट दूंगी, काटती काटती नहीं हूँ क्या? दाल भिगाई है ना। और साथ में चने की दाल को भी हमने सोक करके रख लिया है। ऑलमोस्ट ये मैंने इसको भर के रख लिया है। दही भी लेती है, धनिया मिर्च। ये नहीं दी अपने, आलू में भी अदरक डाल दिया कट फ्राई, जो वो करेंगे फ्राई करेंगे। हाँ हाँ डाल देंगे राई जीरा। हाँ हाँ कितना चटनी के था ओमन, ठीक है इसी में डाल दो चटनी का। इसमें दीजिए और बहुत मिर्चा दें। और सबसे पहले हम ये चने की दाल को जो कि थोड़ा सा सोक करके रखे हुए थे, हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत हल्का सा फ्राई करना है ना, बहुत हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। और इस चटनी में ये देखो, ये है इसमें नारियल, मिर्ची एंड अभी अदरक मैं डाल रही हूँ। और इसी में हमें डालना है दही, डाल दीजिए दही। और इसी में हम डालेंगे दही, ये पूरी दही हम इसमें। और ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है दाल, और इसमें हमने धनिया भी ऐड किया है और अदरक। तो ये सारी चीज़ों को अब हम साथ में पीसेंगे। दो मिनट में अभी हम इसको साइड रख देते हैं, क्योंकि हमें इसमें अभी ये दाल को भी ऐड ऑन करना है, तो दाल के फ्राई होने का वेट करेंगे। आ जाएगी ना? हाँ। और अब इसी के साथ हमें इसमें नमक डालना है, जो कि हम इसी जार में ही डाल देंगे नमक, थोड़ा सा और डाल देंगे, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। यू कैन यूज योर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और अभी चटनी का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी हम चीनी ऐड करेंगे। सब लोग मिल करके बना रहे हैं। हाँ तो ये हमें लग रहा है नमक कम, नमक ठीक है बाद में ऐड कर देंगे नमक। और ये फ्राई हो चुका है चना, और अब इस चने को हम डाल देंगे इस जार में। आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से चीज़ें दिखा पा रही हूँ, आई जस्ट होप सो। एंड ये रहा जार, जार में ये फ्राई वाली दाल भी हम ऐड कर देंगे। यस, और अब फटाफट से इसको हम पीस लेते हैं। और ये रही नारियल की चटनी फ्राई होने के बाद, फ्राई हुई देन उसका वीडियो मैं भूल गई डालना, सो सॉरी फॉर दैट। एंड ये रेडी हो चुकी है नारियल की चटनी। अब बारी आती है सांभर की। आज जिसका हम फटाफट से डोसा बनाने वाले हैं वो है फ्रेशो का इडली एंड डोसा बैटर, जो कि इंस्टेंट आप डोसा बना सकते हैं। आपको कोई भी प्रिपरेशन नहीं करनी है, बस इसके पैकेट को आपको लेना है। एंड मोस्टली आपको बिग बास्केट से मिल जाएगा, डिलीवर बाय बिग बास्केट यहाँ पे मेंशन है, सो उसकी भी आपको कोई टेंशन नहीं है। घर बैठे ये आपको घर पे मिल जाएगा, बस फटाफट से इसको ऑर्डर प्लेस करिए। एंड इंस्टेंट जब भी आपका मन हो आप इडली या डोसा इससे कुछ भी बना सकते हैं, आपको इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम कैसे बनाएंगे वो चीज़ अभी आपके साथ हम पूरा शेयर करेंगे, तो आप वीडियो का इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। एंड फटाफट से मैं इसका बाय लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो डोंट फॉरगेट। ये हमने इसका बैटर निकाल लिया है, इसमें थोड़ा सा हमको पानी ऐड करना था जो कि हमने ऐड कर दिया है। एंड सिंपली अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे इसकी स्टफिंग भी रेडी हो गई है,
सो पता है कि ना आगे क्या हुआ कि ना उसके आगे कि मैं सारी क्लिप शूट करना भूल गई, मतलब मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया कि यार व्लॉग बना रहे हैं हम डोसे एंड सांभर वगैरह के साथ ना हम एक और भी डिश बना रहे हैं जिसका नाम है व्लॉग। एंड मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया, मैं अभी जब वो वीडियोस देख रही थी ना, मतलब मैं अपने फ़ोन से वीडियोस को डिलीट कर रही थी, देन मुझे ध्यान आया कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं शूट करना ही भूल गई। ये मेरे ख्याल से हफ्ते भर बाद की बात है, जबकि ना मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया, रियली सॉरी फॉर दैट। बट मैं आप लोगों के साथ सारी डिश रेसिपी जितना मैंने बनाया था सबको शेयर किया है। एंड जो डोसा की मैं बात करूँ तो डोसा बहुत टेस्टी बना था, पहला वाला दूसरा वाला डोसा थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हुआ था, बट उसके बाद के जो भी डोसे थे यार पिक्चर भी नहीं है मेरे पास, हाउ कैन आई डू दिस, मतलब मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से दिमाग से निकल गया। एक्चुअली में या तो बनने लगा तो खाने की वो क्रेविंग होने लगी, एंड रियली सॉरी फॉर दैट कि ना मैं शेयर नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ बनाऊँगी दिन में कोशिश करूँ। मैं कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं व्लॉग शूट कर रही होती हूँ, कहीं जा रही हूँ व्लॉग शूट कर रही हूँ, भूल जाती हूँ कि अरे यार व्लॉग भी शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा लाइफ ऐसी ही हो गई है लिटरली, मैं बताऊँ तो मैं भूल गई, तो सॉरी फॉर दैट यार गाइस, रियली सॉरी। बट जितना मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप सो दैट यू विल एंजॉय, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। बाय बाय, लव यू ऑल।